अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज ये हम लेके आए हैं वैसे भी अपनी आवाज़ में, तो आज आपसे हम बातें करेंगे, रेसिपी शेयर करेंगे। तो रेसिपी के सारे अज्जा जो है मैंने लिख दिए हैं शुरू में, तो वो आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो अब शुरू करते हैं जी। हम सबसे पहले डालेंगे पैन में ऑयल, उसमें प्याज को डाल के थोड़ा हम नरम कर लेंगे, ठीक है। प्याज को हमने डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा नरम करेंगे, इतना कि थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए इसका। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे खड़े गरम मसाले, जिसमें हम डालेंगे ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और काली मिर्ची साबुत। फिर इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको इतना पकाना है कि वो उसके कच्चापन दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाल के उनको हम थोड़ा सा पकाएंगे, वो जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें तमाम हमारे जो खुश्क मसाले हैं वो सब इसमें हम डाल के इसको हम भून लेंगे, ठीक है। जब वो भुन जाएंगे, थोड़े से गल जाएंगे, इतना हमने इसको पका लेना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेरी पहली रेसिपी है जिसमें मैं अपनी आवाज़ में सब बता रही हूँ। तो हम जो है ना परदेसी लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हमारे पास अपने नहीं होते, उनसे दूर होते हैं, तो यहाँ के मसरूफ़ ज़िंदगी में ना बहुत कम टाइम मिलता है किसी के साथ बैठ के बातें करने का और अपनी ख्याल शेयर करने का, अपनी सोचें शेयर करने का। तो यूट्यूब जो है ना एक अपना सा एक रिश्ता है इंसान की ज़िंदगी में, यहाँ परदेसियों के लिए, जहाँ पर हम बातें शेयर करते हैं, लोग हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ना हम अपनी कोशिश करते हैं कि हम जो है टाइम दे सकें यूट्यूब को, अपनी बातें शेयर कर सकें। तो वही एक कोशिश हमने भी शुरू की है, तो उसका आगाज़ है। तो जी ये देखें, हमने टमाटर भून लिए हमारे, जब तो हमने चिकन क्यूब डाल दिया और इसमें हमने फिर चने और दही डाल के इनको हमने भून लिया, ठीक है। अब जब भून जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे हम पानी। मेरे पास 1.5 कप चावल थे तो मैंने 3 कप इसमें डाला है पानी, तो इसको हम बॉईल कर लेंगे। अब ये है कि जो मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो यहाँ के लोकल चावल हैं, वो बासमती या फिर बनस्पति नहीं है, तो इसलिए हम जो है ना, आपको लगेगा कि वो बहुत सख्त हैं इस तरह, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़ी सी शक्ल डिफरेंट है। तो आप इसको बासमती और बनस्पति चावलों से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे खिले खिले और ज़ायकेदार बनेंगे, ठीक है जी। अब ओला जगह तो हम चावल डाल के ये हमने इनको पानी खुश्क होने तक पका लेना है, फिर हम दम दे देंगे, ठीक है। बहुत अच्छी और इजी रेसिपी है, ट्रेडिशनल है, पाकिस्तानी, आपको बहुत से जगहों पर मिलती है, कुछ भी मीलाद वगैरह हो या फिर कोई और फंक्शन हो तो ज़रूर मिलती है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है कि आप लोग प्यार देंगे, अपना ऐसे प्यार देंगे ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हम वीडियो बनाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। तो ये रेसिपी थी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।